हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माउंटेन बॉय। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आई थिंक 1 मंथ हो गया है मेरे को शायद बिना ब्लॉगिंग के। तो मेरे लगे हुए थे पेपर, तो इसके कारण मैं आपके लिए ब्लॉग नहीं ला पाता था। तो आजकल आपको पता ही है कोरोना के कारण हिमाचल में छुट्टियाँ हो गई है 26 जनवरी तक, तो इसलिए मैं आया हूँ घर। तो आज हम जा रहे हैं, मेरा छोटा भाई है और मेरे 2-3 दोस्त और हैं, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। बिलिंग जा रहे हैं, भीड़ में है जो, तो वहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, तो वहाँ पे हम आज फुल ऑन मज़े करेंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारी बाइक लग चुकी है यहाँ पर। तो अभी हम जाएँगे मेन रोड तक, आइए चलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं अभी। मेन रोड में पहुंच चुके हैं, ये मेरा रामू दोस्त है। हेलो भाई, आ रहे होने ठीक है? कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, तगड़े। देखो चले फिर, चलो चल। 3 बंदे जा रहे हैं हम, जो है ना 4 4। एक और बंदा कहाँ है? चलो ठीक है, एक बैग ले। तो गाइस ये है मेन रोड और यहाँ जाके है, चलते हैं अभी हम। फाइनली हम भीड़ में पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे हम अपने एक और दोस्त का वेट कर रहे हैं, और ये दोस्त वो नीचे से आ रहा है। अभी हम बस भीड़ से थोड़े ही ऊपर पहुंच चुके हैं और स्टार्टिंग यहां पे स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो अभी हमने ऊपर बिलिंग जाना है, तो स्नोफॉल में पता नहीं कितनी ठंड होगी, आज तो देख के ही लगेगा पता। और क्राउड वगैरह फिलहाल कुछ नहीं है, तो शायद 1-2 बजे तक भीड़ भाड़ भी हो जाएगी यहाँ पर ठीक ठाक ही। तो अभी है हम जंगलों के बीचों बीच, गाइज अभी हम थोड़े आधे रास्ते में रुक चुके हैं, तो क्योंकि हम अपने छोटे भाई को वेट भी कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं वो, और थोड़ी देर धूप भी सेक लेते हैं यहाँ पे। तो आपको मैं स्नो दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, स्नो वाली माउंटेन्स पूरी स्नो से भर चुकी है। और व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा। तो गाइज छोटे भाई भी आ चुके हैं। इतना लेट कैसे हो गया भाई तू? चल ठीक है, चलते हैं धूप सेक में छोड़ दो। तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं स्नो के पास, ये देख सकते हैं आप हमारे पीछे स्नोफॉल, और यहाँ पे हमने बाइक और स्कूटी लगा दी है। तो यहाँ से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ से बिलिंग तक पैदल जाना है कम से कम 5-6 किलोमीटर। तो अभी व्यू का थोड़ी देर मज़ा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरी स्नोफॉल है, और ये यहाँ से कुछ व्यू थोड़ा सा ऐसा है वहाँ पे पूरी भीड़, और ये देख सकते हैं स्नो। गाइस आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, अरे रास्ता पूरा ही कवर हो गया है। और ये हम ओवरटेक करके आगे पहुंच चुके हैं, आगे बहुत ज्यादा रास्ता खराब, पूरे रास्ते में बर्फ ही बर्फ। यो काफी एडवेंचर वाला ब्लॉग होने वाला है आज का, एडवेंचरस ब्लॉग, डोंट ट्राई दिस एट होम। और ये इससे आगे हम आई थिंक जा नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ से पैदल यात्रा करनी पड़ेगी बिलिंग की तरफ। और देख सकते हैं आगे रोड पूरा रोड एंड सके, आप देख सकते हैं अब यहाँ से बाइक पीछे खड़ानी पड़ेंगी। और ये हमारे गौरव बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंड होता है। चल चल चल, गाइज फाइनली हमने बाइक वगैरह पीछे लगा दी है यहाँ पे देख सकते हैं आप,
हमारी चारों ओर स्नो फॉल ही है, पूरा फुल पावर। तो आज का ब्लॉग जो है एडवेंचरस होने वाला है, एडवेंचर वाली फीलिंग आएंगी आपको। तो हमें इस रास्ते से होके पैदल जाना है शॉर्टकट ऊपर बिलिंग के लिए। तो आइए चलते हैं। बहुत ही थक गए हैं गाइस, चलो बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस देख सकते हैं हमारी सांस वगैरह काफ़ी फूल रही है, बड़े दिनों के बाद हम हाइकिंग कर रहे हैं आज। तो अभी आपको पूरा बिलिंग में दिखाएंगे स्नोफॉल, और साथ में आज पैराग्लाइडिंग होगी तो वो भी बताएंगे। ये है गाइस स्नोफॉल, तो देख सकते हैं आप फुल ऑन मज़े हैं। 2022 की फर्स्ट स्नोफॉल है यहाँ पे बिलिंग में पड़ी हुई है, और हम आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं अभी मज़े करते हैं आज फुल पावर, चलिए। आप लोग हमें देख सकते हैं गाइस, आज मैक्सिमम लोग जो है पैदल जा रहे हैं बिलिंग, क्योंकि गाड़ियां तो ऊपर तक जा नहीं रही है क्योंकि बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ है। तो अभी हम बिलिंग भी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, ये वाला जो टॉप है इसके ऊपर जैसे है थोड़े बिलिंग। तो बिलिंग के नज़ारे दिखाता हूँ, आज पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, अभी 2-3 पैराग्लाइडर जो है उन्होंने टेक ऑफ किया। तो देख सकते हैं आप मैं काफ़ी डूब रहा हूँ, बिलिंग में काफी ज्यादा स्नोफॉल हुई है। यो अभी जो है बिलिंग बस 500 मीटर ही रहा है, वो देख सकते हैं आप वहाँ पे पूरा टेक ऑफ। और जो भाई भी अभी पूरी फुल ऑन एडवेंचर वाली आ रही है, तो चलते हैं अभी बिलिंग की ओर। लांबू ब्रो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार है, मजेदार, मजा आया, फुल बर्फ। चलो अभी आपको बिलिंग लेके चलते हैं, बिलिंग लेके चलते हैं आपको, फिर दिखाते हैं पूरा। तो गाइज फाइनली हम बिलिंग में पहुंच चुके हैं, बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही हमारी बिलिंग तक। हमने बाइक कोई 10 किलोमीटर लाई ऊपर तक, और उसके आगे हाइकिंग की हमने 7-8 किलोमीटर। तो अभी देख सकते हैं आप बिलिंग में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग पड़ी है। तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे साथ ही, और मैं अभी हूँ टेक ऑफ होता है यहाँ से पैराग्लाइडर का। आपको मैं थोड़ी देर के बाद पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ भी बताऊँगा कि किस तरह करते हैं। मैं आपको टेक ऑफ बता रहा हूँ बिलिंग से, ये बिलिंग से टेक ऑफ करेंगे और लैंडिंग करेंगे सीधा कलोनी में। तो देखते हैं कैसे करते हैं टेक ऑफ, आपको बताते हैं आज पूरा। तो गाइस अभी जो है टेक ऑफ होने वाला है, ये देख सकते हैं आप भाई लोग रेडी हो चुके हैं सारे, अभी यहाँ से टेक ऑफ होगा। ये गुड, रन 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 रन, ये फाइनली टेक ऑफ हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो गाइस भागो 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 भागो, रन रन रन, ओके ओके ओके, ये एक और फ्लाइंग हो चुकी है यहाँ पे। गाइस अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे स्नोमैन बन रहा है, अभी हम ट्राई कर रहे हैं स्नोमैन बनाने की, पता नहीं बनेगा या नहीं। तो आपके आपको ये ब्लॉग के एंड में दिख जाएगा पूरा स्नोमैन किस तरह का बनाया था हमने। अच्छा बना होगा तो भी लाइक करना, बुरा बना होगा तो भी। सो गाइज फाइनली हमारा स्नोमैन बन चुका है यहाँ पे, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना है। तो कमेंट ज़रूर करना और एक लाइक स्नोमैन के लिए भी करना। तो फुट का स्नोमैन है गाइस, 6 फुट देख सकते हैं आप, हाइट भी काफ़ी ऊंची है, आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी है। बिलिंग में काफ़ी क्राउड भी आ चुका है, देख सकते हैं आप पीछे बहुत सारे इंसान आ रहे हैं। फॉलो मी गाइस, ओ फॉलो मी का यार, कुछ ऐसा है नीचे की तरफ का पूरा और अभी हम व्यू में लेटेंगे। अब देखिए हमको देखिए हमको, अभी से हैपन होगा पूरा फुल पावर। स्टंटमैन, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा स्टंट कर रहे हैं ये, वो बच्चों सड़े आगे। सर एक और स्टंट कर रहे हैं आप, वन मोर फ्लिप सर, एज यू कैन सी मी, यो फुल पावर फन ब्रो, मोटा जाएगा तो भाई
तो गाइज अभी जो है यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, तो अगर मेरे आज के फोटोज देखने होंगे आपने तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। अगर जिसने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो फॉलो जरूर करना मेरे को इंस्टाग्राम में। कैसा रहा फिर ब्रो? बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए अब घर को चल पड़ते हैं ना। अगर मेरे पास तरपाल होता तो मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक जा सकता, नीचे तक। कहाँ तक? अगर तरपाल होता तो मैं नीचे तक। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन अब हम यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि अब ठंड लग पड़ी है। तो गाइज फाइनली हमने फुल पावर इंजॉय कर लिया है। अपने ब्लॉग में सब कुछ देख लिया होगा क्या क्या किया हमने आज। तो आज तो मेरे को काफ़ी अच्छी फीलिंग आई बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हमने बहुत दिनों से प्लान बनाया हुआ था कि बिलिंग जाना है, तो आज हम आ चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो आज की मेरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माउंटेन बॉय यो, बाय बाय।